नेट्स के द्वारा, फिर जो कार का स्लैमन हमने देखा था वहाँ पे एंटिटी के नियो में। ओवरऑल स्टैंडिंग्स आ चुकी है हमारे आगे आफ्टर 6 गेम्स प्लेड बाय एवरी सिंगल टीम। लुक एट दिस, 106 Orange Rock Synergy Mega Stars, same number of points, and Orange Rock and Synergy has same yes. everything, same placement point, same kill, same chicken dinner, same number of matches played. They are going like really good, and उसके बाद Mega Stars आती है, वो भी अपने आप को 106 पर देगी, but then वही है 2 kills कम, वो 2 placement point ज़्यादा लेकर जा चुके हैं। I guess अब first position के लिए यहाँ पे tie चल रहा है दोनों teams के बीच में। It is a tie. You can kind of say first 3 because सारी के सारी teams obviously same kind of type. First 3, first 2 के लिए क्योंकि Mega Stars के kills कम हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे damage का वहाँ पे वो differentiate करेगा उन दोनों टीम्स को, बट डैमेज हमें अभी देखने बिकॉज हमारे पास और भी मैचेस अभी बचे हुए हैं जो कि हम लोग आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे। बट अभी ये जो फर्स्ट हमारा जो यू कैन से लिस्ट है, अब 6 मैचेस सबके हो चुके हैं यहाँ पे, एक आपके पास और बाकी सबके पास भी एक रिजल्ट कार्ड है कि आपको कल किस तरीके से यहाँ पे कमबैक करना है। एंड यहाँ पे टीम VST जो है उनके पास 7 प्लेस है, 8 पे यहाँ पे PGSX का जो स्क्वाड है, अब देखते हैं कितनी जल्दी PGSX का जो स्क्वाड है कमबैक करे, बिकॉज वो लोग अच्छा खेले थे नो डाउट, बट यहाँ से एक कमबैक करना पड़े बिकॉज 2-3 मैच अगर खराब जाएंगे तो नीचे से ऐसी टीम्स आ रही है जो किसी भी टाइम पे ऊपर आ सकती है। बिल्कुल जी हाँ, और उस क्लाइम की बात करें तो 9-16 फिर से हमारे पास आ चुकी है, जहाँ पे सेल्स रहेगी 71 पॉइंट्स, एलिमेंट ई स्पोर्ट्स के पास 67 पॉइंट्स 10th पोजीशन, लिवक्राफ्ट की अगर बात करें 11th पोजीशन 66 पॉइंट्स, टीम IND 12th पर है विद 56 पॉइंट्स, टीम मेहम 13th पर विद 55, टीम गॉड एक्स है 14th पर विद 52, इनसाइड आउट और ORB ऑफिशियल्स 15th और 16th पोजीशन पर है विद 51 पॉइंट्स ईच। ORB इससे पहले 17th पर थी, इस मैच में अपने आप को टॉप 16 में लेकर आए, बट देन देयर विल बी सम टीम्स जो कि चिकन डिनर के पास तक भी पहुंची है, बट स्टिल वो पीछे वाले एरिया में रहेंगे। BSG क्रॉलर्स की हम बात कर सकते हैं, 50 उनके पास पॉइंट्स रहेंगे, 17वीं उनकी पोजीशन रहेगी, थानोस नीचे आ चुकी थोड़ी सी, ये 16 पर थे अभी 18 पर खुद को देख रहे, डार्क टेंजन ई स्पोर्ट्स 19 पर है, एस्टेक्स 28 पर है, पावर हाउस is out there 21st, Team Tamilas 22nd, Let's Go 23rd and Hype Gaming 24th पर रहने वाली है। जी हाँ, 24th पोजीशन यहाँ पे हमने नजर डाल ली कि कौन सी टीम मौजूद है उस स्थान पर। अब नजर डालते हैं लास्ट सेट ऑफ स्टैंडिंग्स पर, जहाँ पे टीम एक्सपर्ट आती है 25th पर विद 28 पॉइंट्स, वाइकिंग्स एक्स 24 पॉइंट्स हैं इनके पास, द क्रू ई स्पोर्ट्स 22 पॉइंट्स के साथ, लूपस्टॉर्म के पास 22 पॉइंट्स, 100cc ई स्पोर्ट्स के पास 19 पॉइंट्स, 4AC स्पोर्ट्स 17 पॉइंट्स, F1 ड्रीमर्स 14 पॉइंट्स और स्ट्रॉन्गहोल्ड के पास 13 पॉइंट्स आफ्टर 6 गेम्स। हर दिन की एंडिंग एक आपको अपना एक रिलेटिव फिगर आउट देती है कि आपने क्या गलतियां करी हैं, बिकॉज देयर आर टीम्स जो कि अगर कोई टीम अपने आपको टॉप 16 में देख सकती है, बाकी टीम्स भी उसी चीज का ट्राई करेंगी। सो 17-32 है, दे जस्ट नीड टू जस्ट सिट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड जस्ट लुक एट ऑल द टीम मीटिंग्स, क्या गलतियां हुई हैं, सारे मैचेस देखिए कि क्या क्या गलतियां हुई, बिकॉज इससे पहले जब हम क्वार्टर्स में थे हम यही बोलते थे कि सबको एक दूसरे गेम प्लेस नहीं पता, नई टीम्स को स्टडी किसी ने नहीं किया है, वो उनके लिए एक अलग टाइप का चीज रहेगा। बट अब सारे मैचेस भी हो चुके हैं, सब मैप्स भी हो चुके हैं, वीकेंड भी आज सेमीफाइनल्स का हो चुका है, तो प्लेयर्स को पता है सेमीफाइनल्स के लिए क्या अप्रोच टीम्स की है, उनके ड्रॉप लोकेशंस बदले हैं क्वार्टर से या नहीं बदले हैं, वो सब चीजें रहेंगी। सो राइट नाउ यू हैव द आई वुड से कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम है अभी के लिए सब टीम्स को पढ़ने का, सब टीम्स को जानने का, उनके